अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें। आज़ाद कश्मीर में FC तैनाती का मामला। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क्यूम खान नियाजी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस कानून साज असम्बली में जमा करवा दिया। हमारे नुमाइंदे अंसर बेग के मुताबिक आज़ाद कश्मीर से तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क्यूम खान नियाजी ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया। अब्दुल क्यूम खान नियाजी का कहना है कि फिलहाल आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की ऐसी कोई सूरत हाल नहीं कि जिसके लिए FC तैनाती की जरूरत पड़े। अब्दुल क्यूम नियाजी का कहना था कि ना जाने वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर को क्या हदशात लाहक हैं कि इन्होंने एक बार फिर FC तलब कर लिया है। अब्दुल क्यूम नियाजी ने कहा कि FC तैनाती इंतहाई अहम मसला है, इस मसले को ऐवान में जेर बहस लाया जाए। पल पल KFD डिजिटल के साथ।